अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? रबी अहमद ब्लॉग पर दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं गांव के स्पेशल डिश देसी भरता बैंगन का। इन पे लगाऊंगी मैं हल्का हल्का सा ऑयल और फिर इन्हें मैं रखूंगी तंदूर के अंदर। माशाल्लाह से आग हमारी जल चुकी है, तंदूर हमारा फुल गर्म हो चुका है। इसको थोड़ी सी लकड़ी को हम नीचे करेंगे। ये भूजने दिया, अभी भूज गई। घी ऑयल मिला नहीं तो मैंने कहा जो चीज़ टाइम पे मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह। आज घी मिला तो घी भी हम ब्रश की मदद से इसको लगाते हैं अच्छे तरीके से। घी लगाने का मकसद ये है कि बैंगन जलेंगे नहीं, बिल्कुल स्टिल रहेंगे। ये देखें माशाल्लाह से चारों तरफ ऑयल लग चुका है ये, और अब हम इन्हें इसी तरह से तंदूर के अंदर खड़ा करते हैं। यूं खड़ा करूंगी तो ये थोड़े से इसके साथ लग रहे हैं। मुझे यहाँ रखनी खड़ी पड़ेगी ईंट, एक नहीं दो दो। ये देखें अभी देखें बिल्कुल सही है, अगर मैं इसके साथ लगाती तो सारी मिट्टी मिट्टी हो जाना था इन्होंने। अभी ये मिट्टी मिट्टी नहीं होंगे। आग माशाल्लाह से तेज़ है, इनको छोड़ के हम दूर नहीं जाएंगे, थोड़ी सी एक साइड पर खड़े हो जाएंगे क्योंकि इस तरह सेक ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ी, थोड़ी सी एक साइड पे होकर खड़े हो जाएंगे। अब काफ़ी सारे इसमें नीचे वाला बैंगन बिल्कुल माशाल्लाह से अच्छी तरह से ग्रिल हो चुका है ज़बरदस्त। और इसी तरह से अगर मैं दूसरी तरह से बनाती ना तो अगर मैं इसके अंदर डाल देती तो वो सारे ना मिट्टी मिट्टी हो जाती है, और क्या ना जिस वक्त आप भरता बनाओगे ना तो उसमें ना जैसे रेत की करकराहट नहीं आती वैसे करकराहट आना शुरू हो जाती है। माशाल्लाह से वो वाले हमारे बन गए हैं, कुछ तंदूर में गिर गए थे। एक रहता था थोड़ा सा कच्चा, उसको मैंने ना इस तरह से लगा दिया सीख पे। अब इसके बाद हम लगाएंगे रोटी, रोटी लगा लेंगे क्योंकि तंदूर काफ़ी ज़रा गर्म हो चुका है। मैं लगाऊंगी गद्दी के जरिए रोटी और हल्का हल्का सा घी भी लगाऊंगी आज रोटी पे। मैंने सोचा कि जब तक बैंगन हमारा एक रह गया गलता है तो जब तक हम पेड़े बना लेते हैं और रोटी लगा लेते हैं क्योंकि तंदूर काफ़ी सारा गर्म हो चुका है। आज मिस्त्री मजदूरों का, आज आप सोच रहे होंगे कि आटा काफ़ी सारा है तो आज हमारे घर में दो और एक्स्ट्रा है ना, मिस्त्री है हमारे जो देखा आपने कि एसी साफ करने। माशाल्लाह से ये बैंगन भी हमारा बाट पक चुका है, इसको भी डालते हैं इसके अंदर और सीख खड़ी करते हैं यहाँ, और अब रोटी लगाना शुरू करते हैं।
थोड़ी सी किया माशाल्लाह से तंदूर की रोटी कितनी जबरदस्त। सत बिस्मिल्लाह जी आए नो। 2 किलो बैंगन में मैंने डाले हैं, 1/2 किलो प्याज और 3 अदर टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, ये सारा मसाला है और घी। इसका ना काला काला छिलका काफ़ी सारा उतर गया, थोड़ा सा रह गया था तो हमने सोचा इसके अंदर धो लें इसे अच्छी तरीके से। ये देखिए अभी साफ हो गया बिल्कुल, ये देखिए। इस तरह से ना हम इसका हल्का हल्का ना पानी निचोड़ लेंगे क्योंकि इसके अंदर देखे पानी होता है, और इसके अंदर मैं कूट लूँगी अच्छी तरीके से। सारे हम एक साथ धो लें पहले, सारे धोने के बाद है ना फिर इसे कूटते हैं हम। बस 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 दादा ना दादा ना दादा ना दादा ना माशाल्लाह माशाल्लाह सारे बैंगन मैंने निचोड़ लिए हैं, ये भी इनका पानी निकल गया। और अब एक एक करके मैं बैंगन का ना इस तरह से भरता बना लूँगी और उसके बाद मैं भून लूँगी मसाला अच्छे तरीके से। 1-2 छोटे चम्मच डलवाए हैं इसके अंदर कि आग जल जाएगी ना तो अच्छे से बन जाएंगे ये। हमारी अच्छी तरीके से जल चुकी है, अब हम रखेंगे इसके ऊपर कढ़ाई घी डाल के और जल्दी से भून लेंगे हम प्याज। प्याज हम ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, हम दरमियाने से साइज दरमियाने से प्याज करेंगे डल डले से। बैंगन हमने कूट लिए हैं, चलते हैं हम चूल्हे की तरफ और घी डाल के ना हम प्याज ब्राउन करते हैं। बैंगन में है कि बैंगन में तो घी कम डलता है लेकिन भरते में घी थोड़ा सा ज्यादा ही डलता है बैंगन में से। बैंगन का भरता आप पता नहीं किस तरीके से पकाते होंगे, मेरा तरीका ये है, और तरीकों से भी पकते हैं। तंदूर में आपके पास अगर है तो तंदूर में भून लें, अगर तंदूर नहीं है तो आप इसे गैस पे भी बना सकते हैं भरते को इसी तरह से। जिस तरह से मैंने तेल लगाया इस तरह से तेल लगा के आप कोई जाली है या कोई सीख वगैरह है उस गंदर पर रोके और उस पर आप सिलेंडर पे भी रख सकते हैं। गैस है अगर सरकारी तो उस पर भी बना सकते हैं, सिलेंडर वाला चूल्हा उस पर बना सकते हैं। हम डालते हैं आप इसमें प्याज, हर बंदे का अपना स्टाइल होता है। मसाले वाले बैंगन भी पकते हैं इस तरह से, भरता भी बनता है, आलू बैंगन भी बनते हैं, सबके तरीके अलग अलग है। मेरा तरीका ये है और हमारे घर में खाया भी सबसे ज़्यादा यही जाता है, आलू बैंगन इतने शौक से नहीं खाते सिर्फ मेरे अलावा। जब तक प्याज थोड़े से डल डले हो रहे हैं और हम टमाटर काट लेते हैं बारीक बारीक से। बारीक बारीक से टमाटर हमने काट लिए और मिर्चें हम काट के नहीं डालेंगे, हम सिर्फ 2-2 टुकड़े मिर्चों के करके डालेंगे, ज़्यादा बारीक मिर्चें हम काट के नहीं इस्तेमाल करेंगे इसमें। अच्छा इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी नहीं डालूंगी। साथ में हम डालेंगे टमाटर,
प्याज देखे हल्के से डल ढले हुए और हमने टमाटर डाल दिए। अब टमाटर को और प्याज को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे बगैर मसाला डाले। जब ये हमारे अच्छे से भून जाएंगे फिर मैं इसमें मसाला डालूंगी और बैंगन हाथ से हाथ साथ में डाल दूंगी मैं इसमें, और फिर इसी तरह से हमने इसे छोड़ देना है। माशाल्लाह से प्याज टमाटर हमारे ना अच्छी तरह से भून गए। ये देखिए अब मैं इसमें डाल दूंगी मसाला, मसाला जो नॉर्मली मेरे घर का है, कुटी हुई मिर्च कश्मीरी, इसी भी मिर्च लाल, थोड़ा सा चटपटा ही रखूँगी क्योंकि प्याज काफ़ी सारे हैं, टमाटर भी है, इस तरह से ना मीठा हो जाएगा। लेकिन जब आप मसाला इसमें थोड़ा सा चटपटा रखते हैं ना तो ये बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा। डेढ़ चम्मच में डालूँगी इसमें नमक, क्योंकि नमक हल्का ही रह जाता है हर दफ़ा मेरी हड्डियाँ में। साथ में हम डाल देंगे भरता इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसके साथ। देसी भरता तंदूर की रोटी और साथ में हो जाए लस्सी, साथ में हो जाए देसी अचार, ओए होए होए होए, ज़िंदगी का मज़ा इसी में है। तंदूर वाले का जायका तो हमें पता है कि कैसा होता है, और शहर वालों का यानी कि जो गैस पे बनाते हैं उनका टेस्ट मुझे नहीं पता है कि कैसा होता है कैसा नहीं, क्योंकि कोयलों पे बनी हुई चीज़ चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो प्याज ही क्यों ना, बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनती है। जैसे कि ये भरता हमारा आज बन गया है, कितना लजीज बन गया। अभी इसे मैं थोड़ा सा और भूनूंगी क्योंकि इसमें जो पानी वगैरह है ना हल्का हल्का वो सारा खुश्क हो जाए एकदम से। प्याज देखें बिल्कुल भी इसमें नज़र नहीं आ रहे, देखें प्याज कहाँ गए कहाँ नहीं, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। और मेरे घर में बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आलू बैंगन से मेरे सिवा और कोई नहीं खाता, सारे खाते हैं। अगर आलू बैंगन बना लूँ तो आलू आलू खाएंगे, बैंगन कोई भी नहीं खाएगा। अगर इस तरह से बनाऊँ तो सभी शौक से खाते हैं इस चीज़ को। बैंगन का भरता तैयार है और मैं आप सब बहन भाइयों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। कितना खूबसूरत, देखें इसकी शक्ल देखें कितनी प्यारी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि शहर वाले ट्राई करें, शहर वाले अगर ट्राई भी करेंगे तो उनके बेचारों के पास गैस है, गैस पे भी ट्राई कर ले आप अच्छा बनेगा। लेकिन अगर जिनके पास तंदूर नहीं है, अगर तंदूर नहीं भी है तो आप तंदूर वाले के पास चले जाएं, शहरों में तंदूर तो होते हैं, उनसे कहना हमें ये भरता बना के दे दे, हमें सिर्फ बैंगन गला के दे दे तंदूर में। और ये एक बात मैं आपको और बताऊं, आलू बैंगन का सालन आप बनाते हैं ना वो गर्म होते हैं, लेकिन ये बैंगन का जब भरता आप बनाओगे ना तो ये ठंडा होता है, ये मैदा के लिए भी ठंडा होता है और कोई नुकसान भी नहीं देता बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह से मिलेंगे किसी अच्छे से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। कल अपने अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखेगा हमें याद, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक शेयर और कमेंट अच्छा सा करके जाना, मेरी हौसला अफजाई करनी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।